हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम बिरला बिरला कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। बिरला कैरियर एकेडमी आपके लिए पीएटी सीपीएटी बीएचयू का स्मार्ट क्रेश कोर्स ओनली 40 दिनों का लेकर आ रही है। दोस्तों, हमारे ये स्मार्ट क्रेश कोर्स 7 मार्च से स्टार्ट होगा। 7 मार्च से आप हमारे साथ कंटिन्यू हो सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि स्टूडेंट को 12th के बाद प्रॉब्लम आती है, एग्जाम में बहुत कम टाइम रहता है, उन्हें पता नहीं रहता है कि हम किस इंस्टीट्यूट में जाएं, किस कोचिंग में जाएं, इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम आपके लिए 40 दिनों का स्मार्ट क्रेश कोर्स लेके आ रहे हैं। दोस्तों, बिरला कैरियर एकेडमी की एडवांस फैकल्टी देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट एडवांस फैकल्टी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि मैं शुभम बिरला 2014 पीएटी बैच का 12th प्लस में मैंने क्रैक किया था। उसके बाद 2018 में मैंने जीआरएफ एग्रोनॉमी क्वालिफाई किया था। मैं जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंत नगर का स्टूडेंट हूं, जो कि देश की नामी यूनिवर्सिटी है, आप सभी जानते होंगे। दोस्तों, अब हम चलते हैं पीएटी सीपीएटी और बीएचयू, इन तीनों के किस तरीके से हम इन तीनों की एडवांस और स्मार्ट फैकल्टी एडवांस और स्मार्ट तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएटी की, जो हमारा मेन है, जो जिस पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। पीएटी दोस्तों हम तीन प्रकार से दे सकते हैं। एक तो हम मैथ ग्रुप से दे सकते हैं, एक हम बायो ग्रुप से दे सकते हैं, एक हम एग्रीकल्चर ग्रुप से दे सकते हैं। इन तीनों ग्रुप से हम पीएटी दे सकते हैं। इनमें एग्रीकल्चर ग्रुप सबसे स्मार्ट और सबसे कम टाइम में प्रिपेयर और तैयार होने वाला ग्रुप है। इससे हम ओनली 40 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकते हैं और एक अच्छी रैंक ला सकते हैं। दोस्तों, इन दो ग्रुपों के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, इन दो ग्रुपों में के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इन दो ग्रुपों के बारे में हम डिटेल से स्टार्ट जुलाई से करेंगे। एग्रीकल्चर ग्रुप की के लिए हम क्रेश कोर्स 7 मार्च से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे एग्रीकल्चर ग्रुप की। तो एग्रीकल्चर ग्रुप में मेनली एग्रीकल्चर ग्रुप को भी मेनली तीन भागों में हमने डिवाइड किया है। इसमें फर्स्ट होता है AG1, AG2, AG3। तो AG1 में हमारा PCM भी आता है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो इन चारों को मिला के 25% पर एक के 25-25 क्वेश्चन आते हैं। टोटल इनके 100 क्वेश्चन आते हैं। AG2 में हमारा होता है फसल उत्पादन यानी क्रॉप प्रोडक्शन, और AG3 में होता है पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री। इसके 50 क्वेश्चन, इसके 50 क्वेश्चन, टोटल हमारा 200 हो गया। तो इन AG1, AG2, AG3 इन तीनों के मिला के हमारे 200 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, अब हम कटाप की बात करते हैं। जैसा कि आजकल पीएटी का कटाप 140 जा रहा है, ऐसे तो सिलेक्शन 125 पे भी हो रहा है, क्योंकि एमपी में कॉलेजों की संख्या ज़्यादा होती जा रही है, लेकिन 140 बेस्ट रहता है, क्योंकि 140 में हमें बहुत ही अच्छा कैंपस मिलेगा। दोस्तों, आप हमारे साथ अगर 40 दिन जुड़े रहते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आप 140 अबव लेके आओगे, क्योंकि हमारे पास जो हमारी फैकल्टी है, एडवांस फैकल्टी है, उनके हमारा हमारी जो एडवांस फैकल्टी है उसके पास एडवांस फैकल्टी के पास एडवांस मटेरियल है, जो आपको एक 140 से 145 तक नंबर आपको 40 दिनों में ले आ सकती है और आपका सिलेक्शन कंफर्म करवा सकती है। हमारी फैकल्टी के पास इतना अच्छा मटेरियल है। दोस्तों, मैं आपको एक बढ़िया क्रिकेट का एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप सभी क्रिकेट के फैन होंगे और ऑब्वियसली विराट कोहली के भी फैन होंगे। जैसे कि क्रिकेट में एक फंडा चलता है कि हमें बाउंसर बार को छोड़ना है। कोई भी बॉलर है, एक ओवर में
छह बॉल करता है जिसमें से दो बाउंसर करता है और छह चार नॉर्मल बॉल करता है। जो जिन चार नॉर्मल बॉल करता है उनपे हमें छक्के लगाने हैं, दो बाउंसर को छोड़ना है। हमें यहाँ पर इसी ट्रिक और इसी फंडे पे चलना है। हमें बाउंसर यानी जो कठिन कठिन सिलेबस है उसे छोड़ना है और जो इजी और मीडियम लेवल का है हम उसे कवर करेंगे। हम आपको हार्ड वाला क्वेश्चन एक भी नहीं करवाएंगे क्योंकि हमें पता है कि अगर हम आपको हार्ड वाला क्वेश्चन करवाएंगे तो आप हार्ड वाले में उलझ जाओगे और इजी और मीडियम पे ध्यान नहीं दोगे। तो हम मीडियम और इजी क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम होती है जिनमें 20% बहुत ही हार्ड वाला मैटर रहता है, 40% मीडियम रहता है और 40% ईजी रहता है। तो ये 40% ईजी को हर कोई कर देता है, जो ये मीडियम वाला रहता है हमें इस पर फोकस करना है। हमारा मेन टारगेट ना तो ये वाला है ना ये वाला है, क्योंकि ये तो आपसे बन जाएगा, ये तो इसके लिए बहुत ही एडवांस साल भर की कोचिंग की ज़रूरत रहती है। जो मीडियम पोर्शन है इसे हम कम से कम टाइम में कैसे से कैसे स्मार्ट वे से कर सकते हैं इसको हम आपको बताएंगे, इसको आपको किस तरीके से तैयार करना है। तो हम स्टार्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं सीपीएटी एग्जाम, आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये आईसीएआर सीपीएटी कंडक्ट कराती है। दोस्तों इसका सिलेबस भी पीएटी के सिलेबस जैसा ही होता है, इस पर हम ज़्यादा डीप में बात नहीं करेंगे। बात आती है बीएचयू की, बीएचयू में भी एग्रीकल्चर के साथ रीजनिंग वाला पोर्शन आता है। तो दोस्तों जो ये रीजनिंग वाला पोर्शन आता है ये आता है 25 नंबर का। दोस्तों ये 25 नंबर का पोर्शन आता है। दोस्तों हमारी एडवांस फैकल्टी है जो आपको रीजनिंग बहुत ही इजी वे में और बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको कवर करवाएगी, जिससे आप 25 में से कम 23 क्वेश्चन सही करके आओगे और आपका बीएचयू में सिलेक्शन लगभग पक्का रहेगा। आप हम पर विश्वास रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों हम आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर, दोस्तों कुछ दिनों बाद हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप लॉन्च करेंगे जिसमें हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे और हमारी टेस्ट सीरीज भी जो रहेगी वो व्हाट्सएप के माध्यम से ही रहेगी। और अंत में मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और साथ ही साथ आप लोग हमारे भी आत्मविश्वास बढ़ाएं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा मटेरियल आपके लिए लेके आए। धन्यवाद।